हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस 9 फिल्म के कुछ अपडेट के बारे में, जो एक्चुअल में पॉल वॉकर के कैरेक्टर से रिलेटेड है। तो क्या है वो डिटेल, चलिए इस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, पॉल वॉकर को हमने फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज में लास्ट फास्ट एंड फ्यूरियस 7 फिल्म में देखा था, और उसके बाद उन्हें फास्ट एंड फ्यूरियस 8 फिल्म में लिया भी नहीं गया, क्योंकि 7 फिल्म में उन्हें एक रिटायरमेंट दे दी गई थी। क्योंकि सभी को पता है कि पॉल वॉकर की डेथ हो गई थी, जिसके कारण से इस फिल्म में काफी सारे वर्क को CGI की मदद से किया गया था, और बॉडी डबल के लिए उनके दोनों भाई कोडी और कैलेब को अपॉइंट किया गया था, ताकि वो इस फिल्म को पूरी तरीके से कंप्लीट करे। लेकिन अब कुछ चीजें थोड़ी और अलग होती हुई नजर आ रही है, जिनमें वैरायटी वालों की तरफ से ये कंफर्मेशन की गई है कि पॉल वॉकर का कैरेक्टर रैनो कॉर्नर हमें फास्ट एंड फ्यूरियस 9 फिल्म में नजर आने वाला है। जी हाँ, आप एक हिसाब से इसे कंफर्मेशन ही समझिए, क्योंकि फिल्म के प्रोडक्शन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, और अब यहाँ पर काम शुरू होता है फिल्म के CGI के इफेक्ट्स का। और रूमर के अकॉर्डिंग पॉल वॉकर के दोनों ही भाइयों को फिल्म के सेट पर देखा गया है, बट जैसे कि मैंने कहा, पॉल वॉकर के कैरेक्टर का रोल फिल्म में क्या होगा उसकी कंफर्मेशन नहीं की गई है। तो शायद हो सकता है कि पॉल वॉकर का कैरेक्टर ब्रैंड हमें इस फिल्म में कैमियो करता हुआ नजर आ जाए, या फिर उसे एक परफेक्ट रिटायरमेंट दी जाए। अब ऐसा कुछ हमें फिल्म में देखने मिल सकता है, जिसकी फिलहाल तो अभी कंफर्मेशन नहीं की गई है कि पॉल वॉकर के कैरेक्टर ब्रैंड का रोल फिल्म में एक्चुअल में होगा क्या। आज की तारीख में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हॉलीवुड में बदल रही है, खास करके मरे हुए एक्टर को फिर से जिंदा करना, वो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस डिज्नी के पास है। क्योंकि रोग वन फिल्म में हमने पीटर कर्सिंग के कैरेक्टर को फिर से रिटर्न स्क्रीन पर देखा था, जिसका CGI वर्क बहुत ही ज्यादा अच्छा किया गया था, और ऐसा ही कुछ ब्लेड रनर 2049 फिल्म में भी हमने देखा। और अभी का इसका रिसेंट एग्जांपल जेम्स डीन का कैरेक्टर है, जिन्हें वियतनाम वॉर फिल्म फाइंडिंग जैक में फिर से वापस जिंदा किया जाएगा, जिसे लेकर काफी लोग उंगलियां भी उठा रहे हैं कि जेम्स डीन को जबरदस्ती का इस फिल्म में ऐड नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही कुछ अब पॉल वॉकर के कैरेक्टर को भी लेकर लोग बातें कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उन सभी को लेकर क्या सोचते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है, जिनकी मदद से हम इन लेजेंड कैरेक्टर्स को फिर से स्क्रीन पर देख पाते हैं। क्योंकि इनमें से काफी सारे एक्टर्स ऐसे थे जिनकी फिल्में हमने थिएटर्स में जाकर नहीं देखी, और ना ही उनकी परफॉर्मेंस को हमने थिएटर में एक्सपीरियंस किया, और अब आज की टेक्नोलॉजी की वजह से हमें वो सारी की सारी चीजें फिर से एक्सपीरियंस करने मिलती है, जो कि एक बिल्कुल ही नई चीज है। बट हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस 7 फिल्म में जब पॉल वॉकर के कैरेक्टर ब्रैंड को डाला गया था, तो हम साफ साफ ये नोटिस कर पाते थे कि कौन से सीन में पॉल वॉकर के कैरेक्टर को CGI कर ऐड किया गया है और कौन से सीन में वो रियल है। बट तब से लेकर आज तक टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा बदली है, और हो सकता है कि इस बार भी फिल्म में उसी टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ अच्छा दिखाया जाए। वेल, तो अब आपकी क्या राय है पॉल वॉकर के फिर से रिटर्न आने पर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर रूमर के अकॉर्डिंग हमें पॉल वॉकर का कैरेक्टर ब्रैंड इस फिल्म में फिर से नजर आएगा, तो आप उस कैरेक्टर को कैसे देखना चाहते हो, एक परफेक्ट रिटायरमेंट की नजर से, या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज में और भी आगे। तो अब आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।